महाराज हमारे वित्त मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे, उनका सर कलम करवा दीजिए। सर कलम को ज्यादा हो जाएगा तो ठीक है, उनका हाथी के नीचे सर कुचलवा दीजिए। अरे मिल गई फुर्सत। हाँ अरे कोई फिक्र नहीं है तो हमसे शादी क्यों की आपने? देखिए इंसान से गलती हो जाती है और जवानी में ये गलती हमसे भी हो गई और उस गलती की सजा हम अब तक भुगत रहे हैं। वैसे आप इतने गुस्से में क्यों हैं? भूल गए आप, आपने हमसे कहा था तैयार रहना, लैला मजनू नाटक दिखाने लेके जाने वाले थे। अरे हम दरबार के कामों में इतने उलझ गए थे कि हम नाटक के बारे में भूल ही गए। आपको हमें याद दिला देना चाहिए रानी साहिबा। जैसे हम खाली बैठे हैं, पूरे दिन कोई काम ही नहीं है हमें। रानी साहिबा बेहतर होगा कि आप हमारा मुंह ना खुलवाएं। आप दोनों की इजाजत हो तो हम चलते हैं। रुकिए, बात आपके सामने शुरू हुई है, आपके सामने खत्म होगी। बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, आपको क्या कहना है बोलिए। ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आपको अपने सजने सवरने और श्रृंगार से वक्त ही नहीं मिलता है। हमारा शाही खजाना आधा हो गया है आपके बेफिजूल खर्चों की वजह से। बस आज के बाद कोई शिकायत नहीं देंगे आपको हम, क्योंकि हम आपको और इस महल को छोड़ के महके जा रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है हमारी, ये बात आप कई बार कहती है लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आज आप अपने महके चले ही जाइए, हम रथ का इंतजाम करते हैं, मंगवा के रखते हैं। हाँ मंगवा दीजिए रथ, हमारे लिए रथ मंगवा दीजिए, एक पल यहाँ नहीं रुकेंगे, मंगवा दीजिए। चलिए पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हर खास आम को सूचित किया जाता है कि हमारे अगले आदेश तक रानी साहिबा हमारी जगह मुगलिया सल्तनत को संभालेंगी। हमारे हर अधिकार और जिम्मेदारी आज से उनकी होगी। बादशाह सलामत, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अम्मी जान, अगर आप पूरी मुगलिया सल्तनत और ये दरबार संभालेंगी तो अब्बा हुजूर क्या घर पर बैठकर अंडे देंगे? बादशाह सलामत, आज से घर का काम संभालेंगे। लेकिन क्यों? मुझे पता है, जब फूफू खुद अंडे देने वाले हैं तो किसी दूसरे को क्यों पकाने देंगे भला? खुद पकाकर फिर सबको खिलाएंगे। दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। जी बहना। बहना नहीं, यहाँ हम आपकी बहना नहीं है, हम है रानी साहिबा। जी बहना। अब रानी साहिबा, रानी साहिबा, हमारा ज्यादातर आयात मंगोल से होता है लेकिन वहां से आयात बहुत महंगा पड़ रहा है, बताइए हम क्या करें? वजीर आजम, आप अगर साड़ी खरीदने किसी दुकान में जाते हो और वो साड़ी बहुत महंगी होती है, आप क्या करते हैं? मुझे पता है, पिताजी साड़ी ना लेकर घाघरा और चोली ले लेंगे। खामोश खरगोश। रानी साहब, हम तो उस दुकान वाले से कीमत कम करने के लिए नापतोल करेंगे। और फिर भी अगर वो दुकान वाला नहीं माना तो क्या करेंगे आप बताओ? बताओ, तुम बताओ। रहने दो, सीधी सी बात है, हम दूसरी दुकान जाकर वही साड़ी सस्ते दाम में खरीदेंगे। रानी साहिबा, समस्या महंगे आयात की है, साड़ी की नहीं। वजीर आजम, हम भी आयात सस्ते करने के तरीके ही बता रहे आपको। हम कुछ समझे नहीं पिताजी। अगर आप इतने समझदार होते तो आप बीरबल की जगह ना होते। रानी साहिबा, हम समझ गए, अगर हमें कोई चीज किसी दुकान में महंगी मिलती हो तो हमें किसी और दुकान में जाना चाहिए जहाँ हमें वो चीज सस्ती मिले। उसी तरह अगर एक देश से आयात महंगा पड़ रहा है तो हम किसी और देश से आयात कर लें ताकि हमारे प्रजा को तकलीफ ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने बिरबल, बिल्कुल सही। रानी साहिबा ने तो दरबार संभाल लिया, पता नहीं जहां पना घर कैसे संभाल रहे होंगे। जहां पना, आज हम आपको एक ऐसा राग सुनाएंगे कि आप दर्द और खुशी दोनों का मजा लूट पाएंगे। बिल्कुल हमारे मालिश की तरह हुजूर, जो आपको खुशी और दर्द एक साथ देगी। आ,
ऐसी मालिश करूंगा कि आप आज खुश होकर के एक दो अंगूठियां तो हमें इनाम में दे ही देंगे। जापना क्या मतलब क्या है? आपको इस राग में कितनी खुशी और गम चाहिए ये आप बताते जाइए, हम ऊपर नीचे करते जाएंगे, आप बस लुफ्त उठाते जाइए। हमें जो उठाना है वो हम उठा लेंगे, आप राग छेड़िए, सुर लगाइए आप। जहाँ पना, हम यहाँ की मुख्य दासी है और हम खाना बनाने जा रहे हैं। तो जाइए, हमने रोका आपको। जहाँ पना, खाने में मसाले कितने डालने हैं? जितने रोज डालते हैं उतने ही या? बढ़ाओ। बढ़ाने? ठीक है जहाँ पना, मसाले दुगने करवा देती हूँ। बढ़ाओ। ठीक है जहाँ पना, मैं मसाले 8 गुना करवा देती हूँ। लेकिन शाही पनीर में पनीर कितना डालना है? जितना हमेशा डालते हैं उतना ही? ज्यादा हो गया, घटाओ। घटाओ? महाराज नमक कितना? बढ़ाओ। और हल्दी? बढ़ाओ। मिर्च? बढ़ाओ। घटाओ, सब कुछ बढ़ाओ। बस तानसेन बस, अच्छी कोशिश थी। गर्मी, बावर्ची खाने में इतनी गर्मी क्यों होती है? अरे खाना बनवा के जान निकल गई है हमारी। बस इतना होना था, हमसे हो चुका, अब और नहीं होगा हमसे, हम थक गए। जहाँ पना। अरे आप फिर क्यों हमारे पीछे आ गई? हमने बावर्ची खाने में सारा का सारा खाना बनवा तो दिया है, अब क्या हमारी जान लेंगी आप? जहाँ पना, जान हम नहीं, वो तो झूमर वाला लेगा। हमारा मतलब है कि महल में झूमर लगाने वाला आया है। अब तू उससे कहिए कि झूमर लगाए, उसे ऊपर छत पे झूमर लगाने है ना, हमें साथ में लटकाना तो नहीं है ना, खुद कर ले, हमारी क्या जरूरत है? लेकिन जहाँ पना, कौन सा झूमर कहाँ लगाना है इसका फैसला तो आप ही करेंगे ना। देखिए हम बहुत थक गए, हमसे और होगा नहीं, और वैसे भी ये जो हमारे महल में जो इतने सारे झूमर लगे हुए हैं, ये देखिए वो कितना प्यारा झूमर है, क्या जरूरत है नया झूमर लगाने की, कितना अच्छा लगा, वाह 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 वाह, कितने अच्छे हैं ये पुराने वाले। नहीं नहीं जहाँ पना, सारे झूमर कितने पुराने हो गए हैं, अगर आपने झूमर नहीं बदलवाए ना तो आपकी जान भी जा सकती है और मुगल सल्तनत पर किसी दुश्मन का कब्जा हो सकता है। वो कैसे? जहाँ पना सोचिए ना, अगर कोई पुराना सा झूमर उसकर आपके सर के ऊपर गिर गया तो क्या होगा? हाँ तो हमारी जान जा सकती है, और अगर हमारी जान चली गई तो कोई दुश्मन हमारी रियासत पे कब्जा कर सकता है, हो सकता है। कहाँ ये झूमर वाला? चलिए जहाँ पना, चलिए हमारे साथ आइए। जहाँ पना, अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी और तुम्हारे जहाँ पना की, गला काट देंगे तुम्हारा। हाँ तो काट दीजिए गला, यही बचा था, आपके कलेजे को ठंडक पहुंच जाएगी। रानी साहिबा, आप मौसी, हमने आपको देखा नहीं, अरे हमें लगा कि वो मुख्य दासी है, उसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। लगता है आपको घर का काम पसंद ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारी छोड़िए, आप अपनी सुनाइए। अरे हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो चलने दीजिए ना, आप घर का काम संभालिए, हम दरबार संभालते हैं। वैसे हमें बहुत भूख लगी है, खाने पीने का इंतजाम कीजिए। अभी लीजिए अभी, एक दिन ये घर संभालने में हमारा ये हाल हो गया है, एक और दिन संभालेंगे तो हम मर ही जाएंगे। ऐसा कुछ करना होगा जिसे रानी साहिबा खुद हार मान ले और हमें ये घर का काम करने से निजात मिले। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।